वेलकम टू दिस चैनल। मैं हूँ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, आप देख रहे हैं DRX प्रभाकर। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बताएंगे कि गर्भवती महिलाओं को किस बीमारी में कौन सी दवा देनी होती है और कौन सी दवा बिल्कुल नहीं दे सकते हैं। दोस्तों, अगर किसी महिला को फीवर हुआ है और वो प्रेग्नेंट है या बुखार हुआ है, तो उसमें आप पैरासीटामॉल और एस्पिरिन दे सकते हैं। और इसमें बहुत से लोग होते हैं जो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग जैसे जाइलोफेन बुटाजोन और क्लोरोक्विनोन, ये अर्थराइटिस और पेन किलर में यूज़ होता है, लेकिन ये स्टेरॉयड दवा होती है जो बिल्कुल नहीं देना होता है। ऐसे ही अगर सेम महिला या किसी और प्रेग्नेंट महिला को कफ या कोल्ड जैसे खांसी या सर्दी हुआ है, तो आप उसको प्लेन हिस्टामिक सिट्राजीन दे सकते हैं। उसको आपको अगर कफ सिरप मांगे तो उसमें आपको जिसमें कोडीन और डेक्सट्रोमेथाफेन नहीं हो उसको आप नहीं दे सकते हैं। जैसे कि इसमें फर्स्ट ट्रिमेस्टर एंटी हिस्टामिन, अगर वो महिला अगर ज़्यादा खांसी भी है, तो अगर वो महिला 3 महीने तक की अभी प्रेगनेंसी में है, 3 महीने के अंदर तक है, तो आपको उसको कोडीन और डेक्सट्रोमेथाफेन नहीं देना है। अगर आप देते हैं तो उसका बहुत ही साइड इफ़ेक्ट और बच्चे पर भी इफ़ेक्ट पड़ सकता है। ऐसे ही अगर उसको सेम महिला को या किसी और महिला को एंटीबायोटिक देना हो, तो एंटीबायोटिक में आप पेनिसिलिन दे सकते हैं, एम्पिसिलिन दे सकते हैं, अर्थ्रोमाइसिन और सेफालोस्फोरिन दे सकते हैं। और कौन सी दवा नहीं देनी है, जिसमें है सल्फोनामाइड, टेट्रासाइक्लिन, ये आप जानते हैं कि UTI और भी चीज़ों में वाउंड इन्फेक्शन में काम आता है, जैसे कि क्लोरोसेटिमाइड, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, किनोलेन, एमिनोग्लाइकोसाइड और जो भी जो न्यू ड्रग है जो अभी टेस्टेड नहीं हुई हैं, जो अभी टेस्ट नहीं हुआ है या ना उस पर रिसर्च हुआ है कि प्रेगनेंसी में यूज़ हो सकता है कि नहीं हो सकता है, जो भी न्यू ड्रग होंगी वो नहीं देना है। ऐसे ही आपका हो गया कॉन्स्टिपेशन, अगर महिला को प्रेग्नेंट महिला को कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, तो आप उसको आयुर्वेदिक में इसप्तगोल दे सकते हैं, लिक्विड पैराफिन दे सकते हैं। और आपको क्या नहीं देना है, तो स्ट्रॉन्ग परजेटिव लाइक कैस्टर ऑयल, आप जानते ही होंगे कैस्टर ऑयल होता है, उसको भी नहीं देना है। अगर उस महिला को, अगर प्रेग्नेंट महिला को आपको पीजीस हो गया है, डाइसेंट्री हो गया है, तो आप उसको कॉलिन सल्फोग्यूनोनाइड, कॉलिन मतलब जो आपका कॉलगेट में जो वाइट प्रोडक्ट होता है उसी को कहते हैं, और आप उसको मेट्रोनिडाजोल दे सकते हैं। वो भी मेट्रोनिडाजोल कब देंगे, जब वो 4 महीने की ऊपर हो जाएगी, ठीक है। और पेचिस में वो कौन सी दवा है जो नहीं देनी है, तो दोस्तों आपका डाइफेनोक्सिनेट और फुराजोलिनोड और मेट्रोनिडाजोल और डेंड्राजोल आप नहीं दे सकते हैं। जबकि मैंने मेट्रोनिडाजोल के बारे में बात करा, तो ये आप 4 महीने के बाद दे सकते हैं, वो भी क्रिटिकल कंडीशन में। ये सारी दवाएं आपका दस्त में भी यूज़ होती हैं, पेचिस में तो यूज होती ही है। अगर किसी महिला को हाइपरटेंशन है, जैसे BP का कोई भी दिक्कत है, तो आप उसको एल्डोमेट और नेप्रोसोल और निफेडिपिन दे सकते हैं। लेकिन अगर डायूरेटिक्स में ACE इनहिबिटर्स जो होते हैं वो नहीं देना है, और एटेनॉल और जैसे लोसार्टन हो गया, ये दोनों दवाएं नहीं दे सकते हैं।